शिवाजी ने अपने शासन के माध्यम से रियतों के सर्वांगीण लोक कल्याणकारी प्रशासन को सबक दिया है। ऊर्जा राज्य मंत्री और जिला संरक्षक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आज यहाँ कहा, हमें एक साथ उसी रास्ते पर चलने की उम्मीद है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक दिवस के अवसर पर नागपुर जिला परिषद में संरक्षक मंत्री द्वारा शिव शाक राजदंड स्वराज्य गुड़ी का पूजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस उपायुक्त रेड्डी, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी कमल किशोर फुटाने, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलुकर, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमिला जाखलेकर सहित सभी विभाग अध्यक्ष उपस्थित थे। अथर्पगढ़ जाति के बल पर बना सुराज्य, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, अबला अंतरधार्मिक समानता का पुरस्कार और समान न्याय की भूमिका छत्रपति के शासन की महिमा थी। आम लोग खुद इसे रियतों का राज्य कहते थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह हमारे सामने सबक है और प्रशासन को इसी रास्ते पर चलना चाहिए। इससे पहले उन्होंने यहाँ खड़ी शिवशावक राजदंड स्वराज्य गुड़ी की पूजा की। छात्रों ने महाराष्ट्र के गीतों की प्रस्तुति दी। स्कूली बच्चों ने छत्रपति शिवाजी और मावलिया के रूप में कपड़े पहने थे। अभिभावक मंत्री ने उनके साथ तस्वीरें ली। बाद में उन्होंने अन्य जिला परिषद पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर के साथ चर्चा करते हुए पनानंद रोड स्कूलों के डिजिटलीकरण, रोजगार मेलों के आयोजन और जिला परिषद की विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।